ये मैंने ट्रिक्स शेयर किए थे हाइब्रिडाइजेशन के, लेकिन पिक्चर ब्लर था अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने पेज पे लिख के अभी इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये हमें टीचर ने करवाए थे और एक इंडियन बुक थे उसमें भी थे। अगर कार्बन एक साइड पे थ्री बॉन्ड्स बना रहा हूँ, दूसरे साइड पे एक बॉन्ड बना रहा हूँ, या फिर दोनों साइड पे दो दो बॉन्ड बना रहा हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन SP होगा। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको वैसे भी अकेडमीज में सिखाया होगा, तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन इन 1-2 ब्यूटाडाइन, आप लोग सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, जहाँ पे डाई इन है वहाँ पे दो डबल बॉन्ड लगा लें, अगर दूसरे साइड पे भी दो बॉन्ड हो तो SP हाइब्रिडाइजेशन होगा। SP2 को देख लें, अगर एक साइड पे दो बॉन्ड बना रहा हूँ, दूसरे साइड पे एक बना रहा हूँ और एक ऊपर बना रहा हूँ, इसका SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। या फिर अगर इस तरह के बॉन्ड्स बना रहा हूँ, दो एक साइड पे, एक दूसरा इस डायरेक्शन में, एक उस डायरेक्शन में, स्ट्रक्चर आपको वैसे भी अकेडमीज में सिखाए होते हैं, इनको सिर्फ रटा करके आपके लिए ईजी होगा। और ये तीसरा जो है ना, ये अगर कार्बोकेटायन टाइप हो, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो, ये भी SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। SP3 तो फिर यही एक मिला है मुझे जो चारों तरफ पे बॉन्ड बनाए। अच्छा, ये दूसरा है सोलबिलिटी प्रोडक्ट वाला, ये सर का मार्केट बुक से मैंने लिए हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ AB टाइप के सॉल्ट्स हों, सही है, लाइक AgCl या AgBr, आपको वैसे भी इनके नाम आते हैं। अच्छा, इसका ये याद रखें कि SP जो इसके बराबर होते हैं वो होता है S² के, तो इसका S किसके बराबर होगा, ये एक है, आप इसको याद कर लें, इससे फिर यही दूसरे भी आते हैं √KSP, सही है। सपोज अगर आपको कहे कि सोलबिलिटी ऑफ AgCl इज 10^-5, सही है, तो KSP क्या होगा, तो KSP होगा S² के बराबर होगा ना, ये लिख के है ना, S² के बराबर होगा 10^-5 इस पे होल स्क्वायर है, -5 तो ये एक्सपोनेंशियल लॉ है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इससे आता है 10^-10, बस हो गया। दूसरा है, अगर आपके से पूछे लाइक AB2 टाइप सॉल्ट्स हो, B2 टाइप सॉल्ट्स लाइक PbF2 या Ag2CrO4 या BeOH2, सही है, तो इसका जो KSP होता है वो होता है 4S³, इसको रटा कर लें, इससे फिर ये दूसरे भी आते हैं, तो इसका S बराबर होगा 1/4 KSP होल पावर 1/3, सही है। तो अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोलबिलिटी ऑफ PbF2, लेट सपोज वो 2×10^-10 है, सॉरी -2 है, तो इसका KSP कितना होगा, सही है, तो KSP का फॉर्मूला ये है, तो KSP बराबर है 4×2×10^-2, और उस पर क्यूब है, अब ये दोनों पे दोनों पे क्यूब होते हैं, तो इससे आता है 4×8×10^, ये अगर मल्टीप्लाई के -6 आते हैं तो 32×10^-6 आते हैं, या 3.2×10^-5, ये तो वैसे भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर AB3 टाइप सॉल्ट्स हैं, सपोज एल्यूमिनियम OH3 हो, सही है, तो इसका KSP जो बराबर होता है वो होता है 27S4, तो इससे अगर आप S मालूम करें सोलबिलिटी, तो वो 1/27 KSP होल पावर 1/4 आते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन बस ये आप लोग खुद कर ले, पर सिर्फ एक वैल्यू सपोज कर ले, सपोज आपको S दिया है 2×10^-2 और समथिंग, चलो कर लेते हैं 27 सोलबिलिटी आपको दिया है 2×10^-2, सही है, तो इस पर होल पावर 4 ले लें, क्योंकि ऐसी है 2×4 से 16 आते हैं, 16×10^ ये मल्टीप्लाई करें -8 आते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाए, जो ऑप्शंस के मुताबिक आपने देना है आंसर। अच्छा, मैंने वो एक ट्रिक अपलोड की थी ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के बारे में, वो सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जो जिन लोगों को समझना है। साइन ले लें सिर्फ 0 एंगल से, सही है, फिर ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये 60 और ये 90, सही है। जीरो में आपने ये पुट करना है 0/4 √, इसको सिर्फ याद कर लें, यहाँ पे 1/4 √, यहाँ पे 2/4 √, यहाँ पे 3/4 √, और यहाँ पे 4/4 √। अब इसका जो शॉर्टकट है, इससे तो जीरो आता है, तो साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30, अब ये √1 पे भी है, 4 पे भी है, 1 का √1 ही आता है, 4 का √2 आता है, तो इससे आता है 1/2, साइन 30 1/2 के बराबर है, 45 ये 1 ये 1/2 आ जाता है इससे,
तो इसका वन पे अंडर रूट वन ही आ जाएगा और टू का अंडर रूट वो तो अंडर रूट टू आता है, इसलिए वन और अंडर रूट आता है। अंडर रूट थ्री तो अंडर रूट थ्री आता है और फोर का अंडर रूट टू आता है, ये अंडर रूट सिर्फ थ्री पे और इससे तो वन आता है। तो साइन 90 वन आता है, साइन 60 आता है, इस तरह। अब कॉस के लिए आपने इस तरह करना है, आपने जब पेपर में जाना है या टेस्ट में जाना है, आपने एक छोटी सी कागज़ पर सिर्फ ये लिख लेना है, इसको याद करें, ये लिख लेना है कॉस के लिए, फिर उसका उलट है कॉस 0, 30, 45, 60, 90, सही है। अब आपने इसके उलट जाना है कॉस 0, अब ये वैल्यू यहाँ पे पहले लगाएं, फिर अंडर रूट 3/2 लगाएं, इस तरफ से आना है, फिर यहाँ पे 1/√2 लगाएं, इसलिए कहते हैं कि 45 डिग्री पे ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इनके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होते हैं। 60 पे फिर 1/2 लिख लें और कॉस 90 इसलिए 0 के बराबर आते हैं। बस सही है, थैंक यू।